हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। लिखा है वेरीफाई ए माइनस माइनस बी, इसको बोलते हैं LHS और यहां पर है RHS, ए प्लस बी। ए माइनस माइनस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी को वेरीफाई करना है हमें। ए की जगह पे 21 और बी की जगह पे 18 है, चार सम अलग अलग है, चारों करना है। तो सबसे पहले जो LHS है ए माइनस माइनस बी वो कहाँ करेंगे, ए की वैल्यू है 21 सो लिखूंगा मैं 21, फिर माइनस, फिर बी की वैल्यू है 18 सो माइनस 18। नाउ सॉल्व करेंगे इसको, 21 माइनस माइनस प्लस 18, 21 प्लस 18 हो जाएगा 39। सो मेरा LHS आया 39। नाउ इट्स टाइम टू डू RHS। RHS में लिखा है A प्लस बी, ए की वैल्यू है 21, बी की वैल्यू है 18, 21 प्लस 18 हो जाएगा 39 और ये दोनों के दोनों क्या हो गए, वैल्यू वेरीफाई हो चुकी है, बिल्कुल सही है ये। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ए की वैल्यू 118, बी की वैल्यू 125, नथिंग टू वरी। मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बना के रख देता हूँ पहले से, ऐसे यहाँ पर लिखा है 118 माइनस इन दी ब्रैकेट माइनस 125। यहाँ पर डायरेक्टली हम लिखेंगे राइट हैंड साइड में 118 प्लस 125। डिफरेंस क्या है इन दोनों में, जब ये ब्रैकेट ओपन होता है यहाँ पर माइनस 125 तो वो बन जाता है 125, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि माइनस इंटू माइनस दोनों मल्टीप्लाई होते हैं और माइनस इंटू माइनस प्लस कहलाता है। सो 118 प्लस 125 853, 234, 243। सेम वे यहाँ पर 8 प्लस 5 13 कैरी फॉरवर्ड 14, 243। सो डियर स्टूडेंट्स देख सकते हैं वेरीफाइड हो चुका है LHS एंड RHS। सेम वे सम नंबर 3 एंड सम नंबर 4 करना रहेगा, लेट्स सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए की वैल्यू है 75 माइनस माइनस 84, बी की जगह पर 84। 75 माइनस इनटू माइनस प्लस 84, लेट्स ऐड, 5 प्लस 4 बिकम्स 9, 7 प्लस 8 बिकम्स 15, 159। नाउ वी विल लुक एट RHS। 75 प्लस 84 दोनों का मिलाकर हो जाएगा 159, ये भी वेरीफाई हो चुका है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ए की वैल्यू है 28 माइनस माइनस 11, 28 माइनस इनटू माइनस प्लस 11, 8 प्लस 1 9, 2 प्लस 1 3 39। नेक्स्ट ए प्लस बी डायरेक्ट है तो 28 प्लस 11 अभी आपने एडिशन किया डायरेक्टली 39, तो ये हो चुके हैं हमारे चारों क्वेश्चंस वेरीफाइड। तो दिस इज द मेथड टू वेरीफाई द गिवन क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 8।